हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 में टर्म 1 का पेपर, जो कि साइंस सब्जेक्ट का है। इसमें आप देखिए 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये किसी CBSE एफिलेटेड एक काफ़ी रिनोड पब्लिक स्कूल में हुआ है 16th of November को। तो इसमें देखिए सेक्शन 3 है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में हमारे पास 12 क्वेश्चन हैं जिसमें हमें 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी इवेल्युएटेड। तो आपने जो भी 24 क्वेश्चंस में से शुरू के 20 क्वेश्चन किए होंगे सिर्फ उन्हीं को चेक किया जाएगा, उसी में मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने किए होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप 24 क्वेश्चन करके आ जाते हैं और 20 क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में आपने किए हैं सिर्फ वही चेक होंगे, उसमें सही हों या गलत हों आपको मार्क्स मिलेंगे। 21 से 24 तक के जो क्वेश्चन हैं वो कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे वो सारे के सारे सही हों। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको आंसर सही आता है आप वही स्टार्टिंग में ही 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इस क्वेश्चन पेपर की हम लोग एक PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस, अब इस क्वेश्चन में जो कि टिक किए हुए हैं आंसर वो स्टूडेंट ने टिक किए हैं, तो आप इनको कंसिडर ना करें कि ये सही होंगे या गलत होंगे। ये स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस है कि उसने कौन सा आंसर टिक किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो डायग्राम बेस्ड भी हैं, डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी में दिखा रहे हैं, हालांकि इसकी PDF फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहाँ से उसे लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मिरर चैप्टर में से क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इस समय जबकि आपके टर्म 1 के एग्जाम जल्दी ही स्टार्ट होंगे, आपको कहीं से भी जो भी सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड पेपर जो भी अवेलेबल है आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है, तो ये 24 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए तक कंप्लीट हो गए। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि सीरियल नंबर 25-48 है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन से 24 में से, और यहाँ भी सेम कंडीशन है कि फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेल्युएटेड। तो स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है वही यहाँ पे चेक किए जाएंगे, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, उन्हीं में मार्क्स दिया जाएगा। तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं इसके नहीं, जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे वो कंसिडर नहीं होंगे। देखिए ये pH स्केल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हमको जो भी प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे देखिए assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। ये 4 क्वेश्चन जो है वो assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, बाकी हर एक क्वेश्चन MCQ में है। देखिए डायग्राम की आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी इसमें काफी हैं।
देखिए यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट होता है, इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में क्या है, 3 केस स्टडीज हैं और हर एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के 3 केस स्टडी में 12 क्वेश्चन हुए, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सेक्शन सी में से आप कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है, द फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन वुड बी इवेल्युएटेड। जो शुरू में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ उन्हीं को ही चेक किया जाएगा। आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉपर टाइम 90 मिनट्स में कंप्लीट करके। फिर आप चेक करा सकते हैं अपने टीचर से कि उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो ये था 10th क्लास में साइंस का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और CBSE के जिस मेथड पे है, जिस पैटर्न पे है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड करेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए।